हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक बेडरूम में हम अगर उसकी फ्लोरिंग करने जा रहे हैं तो उसमें विद स्कर्टिंग कितनी टाइल्स लगेंगी। हमारे पास बेडरूम होगा, उसका साइज़ होगा एंड मेरी टाइल्स जो होती हैं उसका भी साइज़ होगा। तो जो मेरा रूम है, रूम का जो साइज़ है वो मेरा 12 फिट बाई 15 फिट का रूम है एंड जो हम टाइल यूज़ करेंगे उस टाइल का जो मेरे पास साइज़ है वो मेरा 2 फिट × 2 फिट की मेरी टाइल है जो अप्रोक्स 600 mm × 600 mm की होती है। जो मेरी टाइल्स आती हैं वो mm में ही आती हैं। जो मेरी कैलकुलेशन है वो थोड़ी इजी हो इसलिए मैं आपको फिट में बता रहा हूँ। जो हम स्कर्टिंग लगाने जाएंगे उसकी जो हाइट है वो मेरी 4 इंचज़ हाइट में हम अपनी स्कर्टिंग लगाने जाएंगे। तो जो रूम है मेरा, मैं रूम का एरिया निकालने जाऊंगा। तो रूम क्या हो गया, मेरा जो बेडरूम है, ये मेरा एक बेडरूम है जो 12 फिट बाई 15 फिट का मेरा रूम है। ये मेरा बेडरूम है दोस्तों एप्रोक्स। ये मेरी साइड 15 फिट है, ये मेरी साइड सपोज 12 फिट है। इसमें मुझे टाइल लगानी है तो टाइल मेरी कुछ इस तरह लगेंगी, ये मेरी इस तरह कुछ टाइल्स लगेंगी, इस तरह मैं कुछ टाइल्स लगाऊंगा। तो जैसे एक मेरी ये टाइल होगी, एक मेरी ये टाइल होगी, इसी तरह हम इसमें फिर चारों तरफ स्कर्टिंग लगाने जाएंगे। तो एरिया लगा लूँगा रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ इनटू विड्थ 12 × 15 होता है मेरा 180 स्क्वायर फिट। उसी तरह मैं एक टाइल का एरिया निकालने जाऊँगा, 2 फिट बाई 2 फिट की मेरी टाइल है तो मेरा हो जाएगा 4 स्क्वायर फिट। अब मैं रूम की फ्लोरिंग में क्या निकालने जाऊँगा, नंबर ऑफ टाइल निकालने जाऊँगा। तो नंबर ऑफ टाइल इन रूम क्या हो जाएगा, मेरा एरिया ऑफ रूम डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ वन टाइल। तो एरिया ऑफ रूम मेरा 180 एंड वन टाइल का एरिया मेरा 4, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 45 टाइल। तो जो मेरा फ्लोर होगा रूम का, तो क्वान्टिटी ऑफ टाइल इन रूम फ्लोर में वो कितनी आ जाएंगी, 45 टाइल्स, मीन्स 45 टाइल मेरी यूज़ होंगी। जो मेरा फ्लोर होगा उसमें तो 45 टाइल यूज़ होगी। अब मेरी जो स्कर्टिंग लगेगी, जो स्कर्टिंग लगाएंगे हम 4 इंच हाइट दी हुई है तो 4 इंच हाइट में लगाएंगे। तो मैं स्कर्टिंग का एरिया निकाल लेता हूँ, क्वांटिटी ऑफ टाइल इन स्कर्टिंग, तो एरिया ऑफ स्कर्टिंग निकाल लेता हूँ। वो किस तरह निकालेंगे, उसमें क्या होगा, मेरी ये 15 फिट की साइड है, एक मेरी ये होगी 15 फिट की साइड, इसी तरह एक मेरी 12 फिट की साइड ये है, दूसरी मेरी 12 फिट की साइड ये हो गई। इधर भी 4 इंच हाइट में, इधर भी 4 इंच हाइट में, 15 फिट वाली भी दोनों फिट 4 इंच की, 4 इंच हाइट में मैं स्कर्टिंग लगाऊंगा। तो 4 इंच मैं सभी को इंचज़ में बदल लेता हूँ, तो 12 फिट को मैं जब इंच में बदलूँगा तो 12 से मल्टीप्लाई करूँगा, और मेरी दो साइड है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। ये तो होगी मेरी कौन सी, 12 फिट वाली साइड। इसी तरह अगर यदि मैं 15 फिट वाली साइड में जाऊँगा तो 4 इंच मल्टीप्लाई बाई 15 फिट × अगर यदि मैं इसको इंचज़ में बदलूंगा तो मेरा मैं फिर इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई करूंगा इनटू, ये भी मेरी दो साइड्स हैं। इसी तरह ये मेरा स्कर्टिंग का एरिया निकल आएगा चारों साइड्स का, 4 इंचज़ × 12 × 12 × 2, जो मेरा इसका जो कैलकुलेशन करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 1152। इसी तरह 4 इंच 15 × 12 × 2, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 1440। जब मैंने ऐड करूँगा आपस में कैलकुलेट करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 2592 स्क्वायर इंचज़। इसी तरह मैं एक टाइल के एरिया निकाल लेता हूँ इंचेस में, क्योंकि 2 फिट में मेरी 24 इंचेस हो जाएंगी, 24 × 24 मेरा आंसर आएगा कितना, 576 स्क्वायर इंचेस। अब हम निकाल लेते हैं क्वांटिटी ऑफ स्कर्टिंग टाइल। तो अब हम स्कर्टिंग में टाइल की क्वांटिटी निकालने जाएंगे, तो एरिया ऑफ स्कर्टिंग अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल। तो एरिया ऑफ स्कर्टिंग मेरा कितना था, 2592, एरिया ऑफ वन टाइल इंचज़ में कितना था, 576। जब मैं डिवाइड करके जब मैं इसे कैलकुलेट करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 4.5 टाइल। तो स्कर्टिंग में मेरी कितनी टाइल लगेंगी, 4.5 टाइल लगेंगी। तो मैं इसको अप्रोक्स मान लेता हूँ, मैं 5 टाइल, क्योंकि ऐसी टाइल आएगी नहीं, पूरी 5 टाइल मेरी आएंगी। तो जो मेरा बेडरूम है 12 फिट बाई 15 फिट का, उसमें अगर यदि हम टाइल निकालने जाएंगे, जो मेरा टाइल का साइज़ है वो 2 फिट बाई 2 फिट की टाइल यूज़ करेंगे, तो 4505 कितनी हो जाएंगी, मेरी टोटल 50 टाइल इसमें यूज होंगी। इसी तरह फ्रेंड्स, आप किसी भी रूम या किसी भी घर में आप टाइल की क्वांटिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास एरिया होगा, जितना एरिया होगा उसमें आप
एक टाइल की एरिया से डिवाइड करेंगे, टाइल का भी साइज़ कुछ और हो सकता है और साइज़ भी मेरा बेडरूम का या किसी हॉल हो या कुछ भी हो, किचन बाथरूम अलग अलग हो सकते हैं। साइज़ के अकॉर्डिंग आप वैल्यू पुट अप करिए और वहाँ से आप आसानी से नंबर ऑफ़ टाइल्स निकाल सकते हैं। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना और अपनों का ख्याल रखिए।